VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आज भी लोग कम ही जानते हैं इस नेटवर्क के बारे में। ये नेटवर्क बेसिकली ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को अनब्लॉक करने के काम आता है, और ये जो वेबसाइट्स की ब्लॉकिंग की जाती है, ये नेटवर्क के लेवल पर ब्लॉकिंग की जाती है। आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, समटाइम्स ये न्यूज़पेपर्स में भी आती है, और भी कई सारे सोर्सेस पर ये न्यूज़ आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कुछ कैरियर्स हैं या फिर कुछ नेटवर्क्स पर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर कई सारे वेबसाइट्स के ग्रुप को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। अब बेसिकली मुद्दे पे आते हैं, अगर आपको इन वेबसाइट्स को अनब्लॉक करना है तो अनब्लॉक करने के लिए आपको एक सिक्योर VPN यानी कि सिक्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन सा नेटवर्क सिक्योर है ये आपको भी नहीं पता होगा, और प्ले स्टोर पर ऐसी ढेर सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जिनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कोई ऐप सिक्योर है आपको कैसे पता चलेगा? आपको अगर VPN यूज़ करना होता है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के किसी भी VPN की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलता है कि किसी भी VPN की सिक्योरिटी पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो ऐप बिहाइंड में आपके फ्रंट कैमरा का एक्सेस ले रही हो, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले रही हो, और समटाइम्स वो आपकी जो है ट्रैकिंग कर रही हो। आपको कैसे पता चलेगा? समटाइम्स लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कि गूगल इनकी इन्फॉर्मेशन ना चुरा पाए, बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है, और समटाइम्स ये न्यूज़ फ्लैश में भी आया है कि गूगल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उस डर से लोग VPN का यूज़ करते हैं। तो VPN की सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? जब तक कि वो एक पेड VPN नहीं है या फिर किसी ट्रस्टेड एजेंसी का VPN नहीं है, तो VPN की सिक्योरिटी पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बात ये आती है कि आप एक सही VPN यानी कि अच्छे VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करें, और जितने भी फ्री VPN आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कोई भी VPN फ्री तो नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब समटाइम्स आपको फ्री VPN ऑफ़र किया जाता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हिडन मोटिव उस पर्टिकुलर ऐप का उस फ्री VPN के पीछे रहता है। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए इन फ्री VPN के ऐप से। अब मैं आपको सिंपल वे में ये बता देता हूँ कि आप वेबसाइट्स को कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों जब ट्रस्टेड एजेंसीज़ के VPN अवेलेबल हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी अननोन VPN को डाउनलोड करने की? मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर स्मार्टफोन में वेबसाइट्स को अनब्लॉक करना है तो आप कैसे वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में ओपेरा ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में ओपेरा टाइप करना है। ओपेरा टाइप जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र दिखाई देगा, ओपेरा ब्राउज़र विद फ्री VPN। आपको इस ऐप को ही डाउनलोड करना है। मैंने अपने स्मार्टफोन में इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको इस ऐप को यूज़ करके दिखाता हूँ कि आपको इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, मतलब कि इस पर्टिकुलर ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना है। इसके लिए आपको सिंपली इस ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन जब आप इसे करेंगे तब ये आपका ब्राउज़र कुछ इस तरह से ओपन होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है इस पर्टिकुलर ब्राउज़र की सेटिंग में। सेटिंग में जब आप पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनेबल्ड फॉर प्राइवेट टैब्स, आपको सेकंड ऑप्शन ही दिखाई दे रहा होगा VPN का। इस VPN ऑप्शन को ही आपको इनेबल करना है। इस VPN बटन को इनेबल करने के बाद किसी भी लेवल पर वेबसाइट को ब्लॉक किया गया हो आप उस वेबसाइट को अनब्लॉक कर पाएंगे, और अनब्लॉक करने का ये मेथड सबसे इजी और ट्रस्टेड मेथड है। दोस्तों हमेशा आपको अगर किसी वेबसाइट को अनब्लॉक करना है तो आप इसी तरह के किसी ट्रस्टेड सोर्स का यूज़ करें। आप ऐरे गहरे नत्थु खैरे जो VPN है उनको प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं है। बशर्ते अगर आपने एक पेड VPN परचेस कर रखा है और आपको पता है उस पर्टिकुलर VPN की सिक्योरिटी के बारे में, तभी आप उस VPN को यूज़ करें, अदरवाइज़ उस VPN को यूज़ ना करें, आप इस ओपेरा ब्राउज़र का यूज़ करें। दोस्तों VPN इनेबल करने के बाद आप नॉर्मली जिस वेबसाइट को भी विजिट करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट को भी एक्सेस करना चाहते हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और उसे एक्सेस करने में आपको किसी
किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मैं आपके लिए स्मार्टफोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और अगर आपको कंप्यूटर साइंस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई भी कमेंट होगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।